जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपके लिए अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ, जो कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में लोगों को बहुत चक्कर भी आते हैं, तो दिमाग में खून पर्याप्त मात्रा में ना पहुँचने पर चक्कर आते हैं। इसके अलावा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का ज़्यादा या कम होने पर भी चक्कर आ जाते हैं। कान के बीच में सूजन होने पर भी चक्कर आ जाते हैं। पुरानी कब्ज, गर्मी, खून की कमी, धूप में घूमना, अधिक संभोग करना, अधिक हस्तमैथुन करना, स्त्रियों में मासिक धर्म यानी MC की खराबी और अधिक थकावट आदि कारणों से भी चक्कर आने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लक्षण क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। इस रोग में आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, सामने की वस्तुएँ घूमती हुई दिखाई देती हैं और चक्कर आने के साथ रोगी बेहोश होकर गिर जाता है। सिर का चकराना कुछ देर बाद बंद हो जाता है। दोस्तों, इसकी कुछ औषधियों के बारे में बता रहा हूँ जो कि घरेलू औषधि हैं, वो अपनाइए। पहला है लौंग। दो लौंग को 2 कप पानी में डालकर उबालकर पीने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। अगला है मुनक्का। लगभग 4 या 5 मुनक्के को पानी में मथकर यानी भिगोकर पीने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। अगला है सौंफ। सौंफ को पीसकर सिर पर लगाने से गर्मी के कारण आने वाले चक्कर और सिर दर्द ठीक हो जाते हैं। अगला है हल्दी। कच्ची यानी ताजी हल्दी पीसकर सिर पर लेप की तरह लगाने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। अगला है प्याज। प्याज के रस को सूंघने से चक्कर आना ठीक हो जाता है। अगला है तुलसी। तुलसी के पत्तों का रस 5 बूंद और चीनी 1 चम्मच आधा कप पानी में मिलाकर सेवन करने से लू के मौसम में चलने वाली गर्म हवा नहीं लगती है तथा चक्कर नहीं आते हैं। तुलसी का रस, अदरक का रस और शहद मिलाकर पीने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। अगला है इलायची। छोटी इलायची के काढ़े को गुड़ में मिलाकर सुबह शाम पीने से बार बार चक्कर आना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है बच। लगभग 5-5 ग्राम की मात्रा में बच, तोरई और सौंठ कूटकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में लगभग 5 ग्राम अफीम मिलाकर पानी में पीसकर सिर पर लेप की तरह लगाएं। इससे बार बार चक्कर आने की परेशानी दूर हो जाती है। अगला है आंवला। आंवले के मुरब्बे को चांदी के एक बर्फ में लपेटकर सुबह के समय खाली पेट खाने से चक्कर आना बंद हो जाता है। लगभग 6-6 ग्राम सूखे आंवले और सूखे धनिये को मोटा मोटा कूटकर रात को सोते समय 100 मिलीलीटर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह मसलकर छानकर इसमें चीनी मिलाकर सेवन करें। यह चक्कर, प्यास व गर्मी को शांत करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, चक्कर आना कैसे बंद हो या ठीक करें इसकी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।